समाधि के सोपान अध्याय 13। जब आत्मा अंतरतम की शांति में उठी तब उस वाणी ने कहा, अच्छाई पाप तथा दोष से अधिक गहरी है। विश्व का ताना बाना उसका सार तत्व अच्छाई ही है, असीम अतुलनीय अच्छाई। जहां ईश्वर है वहां अशुभ मिट जाता है। अशुभ आभास मात्र है, सत्य नहीं। आत्म समुद्र की गहराइयों में ज्ञान और सत्य की अटल चट्टाने हैं। इन चट्टानों के सामने सभी भूल, सभी अंधकार तथा सभी दोष निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। यह ठीक है कि सतह पर इच्छाओं की आंधी के तुमुल शब्द हो सकते हैं, उत्तेजित वासनाओं के तूफान हो सकते हैं, दोष तथा अंधकार की घड़ियां हो सकती हैं, किंतु अनुभूति अनुभूति का एक क्षण सर्वशक्तिमान है। वह सभी प्रकार के दोषों को दूर कर देता है। वह सूर्य के प्रकाश के समान है। वह सभी अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है। अतः अंधकार के क्षणों में भी इस ज्योति का स्मरण करो। यहां तक कि दोष होने पर भी प्रभु का नाम स्मरण करो। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, वे तुम्हारी सहायता के लिए दूत भेजेंगे। आत्मा की शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। हमारे अंतरतम में एक ही भूत दिव्यता का अनंत प्रवाह है। उस दिव्यता की एक झलक से ही यह विविधता बोध, जो दोषों तथा अज्ञान का निवास स्थान है, तिरोहित हो जाएगा। मौलिक रूप में तुम मुक्त हो, शुद्ध हो, दिव्य हो। विश्व की सभी शक्तियां तुम्हारे अधीन हैं। जब तुम मुक्त हो तब भी क्या तुम मुक्ति के लिए संघर्ष करोगे? तुम्हारा लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। उस सौंदर्य शिखा की एक किरण मात्र का दर्शन दोष की सूक्ष्मतम रेखा को भी नष्ट कर देता है, मिटा देता है। जान लो कि तुम शक्ति तथा शाश्वत ज्योति के ही बने हुए हो। तुम्हारा जीवन ना यह लोक में है ना परलोक में, वह तो अनंत में अवस्थित है। गहरे अर्थ में यह पाप की धारणा अज्ञान ही तो है। यह एक स्वप्न है। पाप का स्वभाव दुर्बलता है। तुम शक्तिशाली बनो। वह जो तुम हो उसकी एक झलक और तुम वही ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान हो। तब मैंने सुना वह वाणी मानो प्रार्थना के स्वर में कह रही है, हे इंद्रिय और विचारों के निर्माता, जिसका तुमने निर्माण किया है उसे नष्ट कर दो। भय, काम, आहार, निद्रा तथा उससे उठने वाले विचारों के पिंजरे में बद्ध मानो तुमने इच्छा पूर्वक स्वयं को अज्ञान के घनत्व में ढक लिया है और स्वप्न देखे जा रहे हो। तुम्हारे स्वयं का अज्ञान ही तुम्हारा अभिशाप है। सभी स्वप्नों को भंग कर दो, सुख तथा दुख की धारणाओं को नष्ट कर दो और तब देहात्म बुद्धि की यह लोह अर्गला छिटक कर एक और गिर जाएंगी। इसलिए हमारे सामने जो कार्य है वह विलक्षण है। माया का जाल मकड़ी के जाले के समान पतला है, किंतु वह वज्र के समान कठोर भी है। हे जीव, स्वयं का उद्धार करो। इस घर को तुम्ही ने बनाया है, तुम ही उसे तोड़ो। और इस घर को तोड़ने की प्रक्रिया है आत्म साक्षात्कार। यह एकत्व की दैवी चेतना से संबंधित है। क्या सूर्य तारे नहीं है? आकाश स्वयं भी तुम्हारे स्वरूप को निगल सकेगा। आत्मा का तुम्हारे साथ एकत्व है। अज्ञान से, अंधकार से बाहर आ जाओ। हे जीव, यह अज्ञान तुम्हारा स्व आवृत है। सुख से पीड़ा अच्छी है, आनंद से दुख अच्छा है, क्योंकि ये हमारे विचारों तथा बुद्धि को वह रूप देते हैं जो कि आत्म साक्षात्कार का उपयुक्त साधन बन जाता है। भीषण के प्रेमी बनो। यद्यपि भीषण के दर्शन में तुम मृत्यु को देखोगे, किंतु वस्तुतः तुम अमरत्व का भी दर्शन करोगे। जीवन अधिक से अधिक स्वप्न है।
परम तत्व तो जीवन के परे हैं, अंत में सभी जगह एकत्व है, दिव्य सर्वव्यापी एकत्व। रश्मियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु सूर्य वही एक है, तथा सूर्य ही रश्मि है और रश्मि ही सूर्य है। तुम सूर्य हो तथा अंधकार भी आलोक है। यह सुनकर मेरी आत्मा ध्यान के और भी गहन से गहनतर स्तर में पहुंच गई और मैं सचमुच जान गया कि किरण ही सूर्य है। ध्यान के क्षणों में पुनः यह कहते हुए गुरुदेव उपस्थित हुए। सभी शब्दों के पार मौन में शाश्वत शांति में तुम्हारी आत्मा का निवास है। इंद्रियों के तुमुल कोलाहल से दूर, जीवन की यातना और दुखों से दूर, पाप और संताप की भावनाओं से दूर, तथापि उन सभी के मध्य दिव्यता का निवास है जो कि अस्थि मात्र है। संसार स्वप्न के ताने बाने कितने आश्चर्यजनक है, किंतु स्वप्न दृष्टा उससे भी अधिक आश्चर्यजनक है। हे आत्मन, तुम अमर, मृत्यु की सीमा के पार, जघन्य कलुषों के मध्य भी निष्कलंक हो। तुम्हारी जड़ें दिव्यता में समाई हुई हैं। शुभ और अशुभ ये विचारों के मापदंड हैं। तुम विचारों के परे सर्वपरि ज्योति स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप का प्रताप सभी वस्तुओं के पार पहुंचा हुआ है। तुम अतुलनीय शब्दातीत हो। हे स्वर्गीय दिव्य ज्योति, हे देव, ध्यान और अनुभूति के शीर्ष मुकुट, कौन तुम्हें पापी कहेगा या महात्मा कहेगा? कौन तुम्हारा वर्णन कर सकेगा या तुम्हारे विषय में सोच भी सकेगा? सभी में एक, सभी में समान, तुम वही अमर आत्मा हो। मर्त्य जीवन के शब्दों में कौन तुम्हें व्यक्त कर सकता है? तुम उन सभी के परे अमर्त्य हो। और यह जान रखो कि तूफानी विचारों के उपद्रवों के बीच भी उन सबको देखने वाला एक मौन दृष्टा है। उसके प्रकाश को इंद्रियों का तुच्छ कच्छ प्रकाश कभी मंद नहीं कर सकता, ना ही उसकी शांति को जीवन के सभी कलह दबा सकते हैं। वह चंद्र सूर्य तारों से परे कूटस्थ तथा विचारों की सीमा के बाहर है। वही आत्मा है, आत्मा वही है। इंद्रियों के युद्ध में विजयी वही है। अज्ञान के पहाड़ इतने भी बड़े क्यों ना दिख पड़ते हों, पाप और संताप की गहराइयां कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसमें सभी ऊंचाई और गहराइयां समा जाती है। उन सभी विविधताओं को जानो और मुक्त हो जाओ। और मेरी आत्मा में ये शब्द आए, मैं सर्वदा तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हारे पापों के जाल कसने लगे तथा गहन अंधकार में कष्ट पा रहे हो, तब यह जान रखूं कि वहां मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे महा अपराधों के कष्टों को भोगने में सहभागी हूं। तुम्हारी अंतरात्मा के कार्यों को भली भांति जानने के कारण मैं तुम्हारी अंतरात्मा के संबंध में सजग हूं। मैं जो सर्वव्यापी हूं, उससे तुम कुछ भी नहीं छिपा सकते, अपने गोपन विचारों का अत्यल्प अंश भी नहीं। मैं तुम में हूँ, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। मेरे बिना ना तो तुम हिली सकते हो, ना ही सांस ले सकते हो। स्मरण रखो, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। तुम जहाँ जाते हो वहां मैं जाता हूँ, तुम जहाँ रुकते हो वहां मैं रुकता हूँ। आओ मेरे हृदय से अपना हृदय मिला लो, उसे अपना बना लो, तब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे हृदय गुहा की छाया और शांति में मेरा निवास है। अब जाओ, संसार में निकल पड़ो और मेरी वाणी का इतना व्यापक प्रचार करो जितना व्यापक की आत्मा है, क्योंकि वही उसका जीवन है। मेरा सर्व समन्वित प्रेम तथा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम माँ के प्रेम के समान है। जैसा एक कबूतरी का प्रेम अपने नवजात बच्चों के लिए होता है, वैसा ही प्रेम मेरा तुम्हारे प्रति है। जब कष्ट आते हैं या विपत्तियां तुम्हें भयभीत करती हैं, तब स्मरण रखना कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ, तुम्हारी आत्मा का प्रेमी हूँ। जब ये शब्द समाप्त हुए, तब मैंने समझ लिया कि
यह गुरुदेव की वाणी थी जिसने मेरे सभी पापों को धो दिया था। और तब मैं कह उठा, मेरे प्रभु के सानिध्य में उनसे एक के बोध में ध्यानानंद की कितनी तीव्रता होती है यह मेरा हृदय जानता है। अहो, उस दिव्य ईश्वरीय विचारों का प्रवाह कितना मधुर है। और ऋषियों के साथ मैं भी स्वयं से कह उठा, सच्चिदानंद सागर में कूद पड़ो, ओ मूर्ख, ईश्वर सागर में कूद पड़ो। हरि ओम तत्सत्।